स्वागत है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए हम आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला वर्ड है हमारा ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसका प्रोनंसिएशन होता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ को लेकर निरंतर अपनी राय बदलते रहना। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है समवन कंस्टेंटली चेंजिंग हिज ओपिनियन अबाउट समथिंग। इसका एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, उदय कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ मूविंग अब्रॉड। ठीक है, सेकेंड वर्ड है आज का हमारा अप इन द एयर। अप इन द एयर, इसका इंग्लिश प्रोनंसिएशन होता है अप इन द एयर। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है फ्रेंड्स, समथिंग हैज नॉट बीन डिसाइडेड और सेटल्ड येट। इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स, किसी मामले को लेकर अनिर्णय और असमंजस की स्थिति का बना रहना। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे रख सकते हैं, मनीष इज अप इन द एयर अबाउट हिज न्यू बिजनेस प्लान। आज का थर्ड वर्ड है हमारा हेम एंड हॉ। हेम एंड हॉ का प्रोनंसिएशन होता है हेम एंड हॉ। हेम एंड हॉ, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है समवन इज बीइंग वेरी इवेसिव एंड अवॉइड्स गिविंग अ क्लियर आंसर। हिंदी अर्थ होता है इसका किसी की बड़ी चालाकी से स्पष्ट जवाब देने से बचना। एग्जाम्पल के तौर पे, प्रवीण हेम्ड एंड हॉट व्हेन हिज कोच आस्क्ड हिम वेयर ही हैज स्पेंट द लास्ट नाइट। ठीक है, आज का हमारा फोर्थ वर्ड है इन अ क्वांड्री। इसका इंग्लिश में प्रोनंसिएशन होता है इन अ क्वांड्री। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है फाइंडिंग डिफिकल्टी टू डिसाइड व्हाट टू डू। हिंदी अर्थ होता है इसका कुछ करने को लेकर निर्णय करने में कठिनाई होना। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे ले सकते हैं, द जॉब ऑफर्ड इज लेस इंटरेस्टिंग बट बेटर पेड, आई एम इन अ क्वांड्री अबाउट व्हाट टू डू। आज का फिफ्थ वर्ड है हमारा इन टू माइंड्स। इसका इंग्लिश प्रोनंसिएशन होता है इन टू माइंड्स। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसका इंग्लिश मीनिंग। इंग्लिश मीनिंग इसका होता है समवन हैड डिफिकल्टी टू डिसाइडिंग व्हाट टू डू। इट्स मी, मुझे होता है ये। हिंदी में इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स, क्या करें निर्णय करने में मुश्किल होना। जैसे आपको कभी कभी निर्णय करने में प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम इन टू माइंड्स। ठीक है, मैं आपको इसका इंग्लिश में एग्जाम्पल एक दे करके बताती हूँ, आई एम इन टू माइंड्स अबाउट वेदर और नॉट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो सब्सक्राइब लाइक करना।